डाक लाया। इंडिया पोस्ट इज ए स्टेटरी बॉडी ऑफ ऑनरशिप राइट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन शॉर्ट पोस्ट ऑफिस। इसका कयाम 1766 में अमल में आया था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैरन हेस्टिंग्स उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इसको इंडिया में इंप्लीमेंट की थी। इंडिया पोस्ट में मार्च 2021 तक जो शुमार हुआ है एम्प्लॉयज का शुमार हुआ है वो है 4,16,083 और इसका जो सालाना बजट है ईयर 22-23 में 20,820 करोड़ रुपया है जो कि यूएस डॉलर 2.7 बिलियन होता है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख फाउंडर नेशनल प्रेस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 12 जून संडे 2022 तो मैं बताना चाहता हूं कि जो ये इंडिया पोस्ट है जो सदियों से हमारी सेवा कर रही है लेकिन बाज औकात इनके जो पोस्टमैन है ये थोड़ी कोताही बरतते हैं। प्रॉपर एड्रेस होने के बावजूद प्रॉपर आदमी रह रहे घर में उसके बावजूद ये जो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट आता है उसकी डिलीवरी के लिए बहुत ही ज्यादा सिटीजन को हैरेसमेंट करते हैं। और एक हकीकी वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस्टरडे 11 जून सैटरडे 2022 कल मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आया और उस वक्त मैं ट्रेन से अम्बेवली जा रहा था ताकि मैं वहां पे जो गौतम अदानी है जो उनकी साइट चालू है जो टाउन प्लानिंग के तहत जो एनआरसी मिल लिमिटेड है जो उसकी साइट चालू थी उसकी मैं प्रॉपर रिपोर्ट लेने के जा रहा था। और मेरी ट्रेन जब चिंचपोकली पहुंची तो मुझे घर से फोन आया कि पोस्टमैन आया मेरा पासपोर्ट लेके। अलबत्ता एक दिन पहले ही मेरी शरीक हयात का भी पासपोर्ट आया सेम एड्रेस पे और उनके नाम के साथ मेरा नाम भी मौजूद था। और एक दिन बाद सैटरडे के दिन जो पोस्टमैन आया रजिस्टर पोस्ट वाला है वो लेकिन दूसरा था। अब फैमिली ने उसे रिक्वेस्ट भी करी कि सेम एड्रेस एक दिन पहले हमारा भी पासपोर्ट आया है तो हमारे हस्बैंड का पासपोर्ट दे दो तो वो नहीं दे रहा था। तो फिर बिलाके मेरे से बात हुई, मैंने उससे बहुत ही शराफत से बात किया जय हिंद किया और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने काम के तहत जरा अम्बेवली जा रहा हूँ इस वक्त मैं मौजूद नहीं हूँ तो मेरी वाइफ को दे दो मेरी शरीक हयात को दे दो। अलबत्ता वो कुछ ज्यादा ही शराफत जता रहा था और मुझसे कह रहा था कि आपको मंडे के दिन चिंच बंदर पोस्ट ऑफिस में आना पड़ेगा मैं रिपोर्ट दे दे रहा हूँ आपको आना पड़ेगा वहां आपको पासपोर्ट मिल जाएगा और ये पासपोर्ट 5 दिन तक पोस्ट ऑफिस में रहेगा। फिर मैंने भी अपना रवैया दिखाया मैं बोला ठीक है मैं मंडे के दिन पोस्ट ऑफिस आ जाता हूँ कितने बजे आऊं। वो कहता है 10 और 10:30 के बीच में आऊं। मैं बोला मुझे प्रॉपर टाइम बताओ एक टाइम बोलो मैं उसी टाइम आऊंगा और मैं महज 5 मिनट इंतजार करूंगा। 5 मिनट में अगर मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिला उस पोस्ट ऑफिस को मैं पूरे अपने सर पे उठा लूंगा और मैं इस पोस्टमैन के खिलाफ कंप्लेन करूंगा क्योंकि प्रॉपर एड्रेस था सारे आइडेंटिटी थी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और एक दिन पहले ही फ्राइडे के रोज ही मेरी वाइफ का पासपोर्ट भी आया था सेम एड्रेस पे आया था और नेक्स्ट डे सैटरडे के दिन मेरा पासपोर्ट आया लेकिन ये पासपोर्ट नहीं दे रहा। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं पूरा पोस्ट ऑफिस सर पे उठा लूंगा मैं रिटर्न कंप्लेंट करूंगा और वहां का जो हेड पोस्ट मास्टर रहेगा मैं उससे मिलूंगा और मैं बस 5 मिनट वेट करूंगा क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है और ये घर पे आके पासपोर्ट नहीं दे रहा था और ज्यादा ही शराफत जता रहा था तो मुझे इससे एहसास हुआ कि ये पोस्टमैन ये रजिस्टर्ड पोस्ट वाले पोस्टमैन सिटीजन से कितना हैरेस करते होंगे। बींग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट जब उसको सारी आइडेंटिटी दे रहे उसके बावजूद वो पासपोर्ट नहीं दे रहा बोलता है मैं एक चिट्ठी दे रहा हूँ आप उसे मंडे लेकर आ जाइए 10 और 10:30 के बीच में तो मैं मेरा आधा घंटा क्यों बर्बाद करूंगा। मैंने उससे कहा मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा और 5 मिनट में अगर मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिला
तो मैं पूरा पोस्ट ऑफिस सर पे उठा लूंगा। बात खत्म हो गई। दो मिनट बाद मेरी हजन का फोन आया कि आपने उससे क्या कह दिए, वो पोस्टमैन ने मेरा पासपोर्ट घर में डिलीवरी देके चला गया। तो इसे कहते हैं कि इंसान को अगर नॉलेज रहेगी तो वो बराबर अपना काम करा सकता है। ये पोस्ट में मुझे मंडे बुला रहा था छिंजबंदर पोस्ट ऑफिस में 10 और 10:30 के बीच में, वो या 10 और 10:30 अपना आधा घंटा भी बर्बाद करो और पता नहीं वो 11 बजे मिले कि 12 बजे मिले, वो अपने दूसरे काम में बिजी रहेगा। तो इस तरीके से इनको सिटीजन के टाइम की वैल्यू नहीं है। वो जानते हैं कि सिटीजन के लिए पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना ये फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा सकते, हज उमरा पे नहीं जा सकते। उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये पासपोर्ट रूह है, जिसम में जैसा रूह होती है जिससे इंसान चलता है, फिरता है, खाता है, बात करता है, उस तरीके से पासपोर्ट रूह है। विदाउट हैविंग पासपोर्ट नोबडी कैन गो आउटसाइड इंडिया। तो ये हकीकी वाकया मैंने सुना है। तो अब सिटीजन के अंदर भी अवेयरनेस पैदा होना चाहिए। अगर कोई पोस्टमास्टर ज्यादा ही इनको हैरेस कर रहा है तो सबसे पहले कलम उठाना और उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देना। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.